Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक दूसरे के प्रति सोशल मीडिया पर प्यार का इजहार करते रहते हैं। दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारा। पिछले दिनों ऐसी खबरें सामने आई कि दोनों इस साल नवंबर में इटली में शादी के बंधन में बन सकते हैं, लेकिन अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स में शादी की तारीख के साथ वेडिंग वेन्यू की भी जानकारी सामने आई है। शादी की डेट सामने आते ही लोगों ने कपल को सोशल मीडिया पर बधाई देना भी शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर अफवाह थी कि कपल इटली के लेक कोमो में सात फेरे ले सकते हैं। दीपवीर के लिए 20 नवंबर बेहद खास दिन है, क्योंकि शादी की ऑफिशियल तारीख है। रणवीर और दीपिका की शादी में केवल चुनिंदा लोग ही शामिल होंगे। रिपोर्ट के अनुसार यह दीपिका रणवीर के लिए बेहद खास सीन है और वे दोनों चाहते हैं कि शादी के समय केवल करीबी लोग ही मौजूद रहें। ज्यादातर इनमें परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल हैं। गेस्ट लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा 30 लोगों को शामिल किया गया है, जैसा कि वे दोनों चाहते थे। इटली दीपिका और रणवीर की पसंदीदा जगह है। वे दोनों इस खास दिन को बेहद प्राइवेट तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। भारत वापस आते ही कपल एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन को होस्ट करने का विचार कर रहा है। एक्टर कबीर बेदी ने ट्विटर हैंडल पर दीपवीर को शादी की बधाई देते हुए लिखा, ग्रेट कपल, इटली ग्रेट लोकेशन, शानदार इवेंट, दीपिका और रणवीर को शादी की बधाई, दोनों का जीवन खुशियों से भरा हो। बताया जाता है कि रणवीर और दीपिका के बीच नजदीकियां संजय लीला बंसाली की फिल्म गोलियों की रामलीला से बड़ी थी।